अपने संबोधन में पीएम मोदी ने गिनाई 9 साल की उपलब्धियां। कहा राजस्थान के लाखों महिला और बच्चों को बचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया, उज्ज्वला योजना का किया जिक्र। पीएम मोदी का संबोधन, वन रैंक वन पेंशन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है, हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीकाकरण कार्यक्रम का जिक्र किया, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जब कांग्रेस की सरकार थी तो टीकाकरण का दायरा केवल 60% था। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अर्जी, नियमित पूजा की मांग के खिलाफ की याचिका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव, अब 2 जून को जयपुर से रवाना होकर पहले जोधपुर पहुंचेंगे सीएम, फिर जोधपुर से बाड़मेर के लिए निकलेंगे सीएम गहलोत। सीएम अशोक गहलोत के पंचपत्रा दौरे को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, सीएम गहलोत पंचपत्रा में रिफाइनरी का करेंगे निरीक्षण, एचपीसीएल और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए रिव्यू बैठक। सिकंदरा के जोधिया गांव में कल 2 पक्षों में हुए झगड़े का मामला, घायलों का बयान लेने जयपुर पहुंचे अधिकारी, मामले में जल्द होगी कार्रवाई। अजमेर में निर्जला एकादशी पर देवालयों में ठाकुर जी की पूजा अर्चना के साथ झांकियां सजाई गई, अल सुबह से मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़, दान पुण्य का दौर जारी। अलवर वार्ड नंबर 35 सोनावा डूंगरी पर पानी की समस्या के चलते स्थानीय महिलाओं ने जलदाय विभाग अधिकारियों के खिलाफ भरी भारी रोष, महिलाओं ने सड़क पर खाली ड्रम रखकर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में सफाई व्यवस्था बदहाल, अस्पताल परिसर में जगह जगह कचरा व शराब की खाली बोतलों का ढेर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बीकानेर के नथुसर बास क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई से आमजन परेशान, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, मनोनीत पार्षद किशनलाल कंवर के नेतृत्व में लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झुंझुनू के मोहनपुरा स्कूल में घटिया निर्माण सामग्री को लेकर विरोध, सीढ़ियों को कैलेंडर गिराने के बाद ग्रामीण पहुंचे स्कूल, घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने को लेकर रुकवाया काम। बूंदी के नमाना में नाबालिग बालिका से गैंगरेप का मामला आया सामने, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया डिटेन, पूछताछ जारी। बीकानेर में निर्जला एकादशी पर दान पुण्य का दौर जारी, गौशालाओं में लोगों ने गायों को खिलाया चारा, लक्ष्मीनाथ मंदिर में ग्यारस माता के दर्शन होंगे श्रद्धालुओं के। नागौर के डिडवाना में चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने रास्ते में बाइक छोड़ बचाई जान, वही घटना से पेट्रोल पंप के पास मची भगदड़। अनूपगढ़ में डेंगू बीमारी के बचाव के लिए आमजन को किया गया जागरूक, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पब्लिक पार्क में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश कुमार सहित अन्य अधिकारी गण रहे मौजूद। विश्व तंबाकू दिवस आज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी समाज निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अपील, कहा आज प्रदेश अपने कारगर तंबाकू नियंत्रण मॉडल से पूरे देश को दिखा रहा दिशा। पाली के सुमेरपुर में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई आयोजित, श्रीगंगानगर में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली को सफल बनाने को लेकर की गई चर्चा। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा पिछले 2 महीने से लगातार मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर है लेकिन सरकार मांग को पूरा नहीं कर रही, सरकार गंभीर नहीं। झुंझुनू में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली जागरूकता रैली, बीडी के अस्पताल से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली, एडीजे दीक्षा सूद और सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार अड्डांगी ने रैली को किया रवाना। कोटपुतली में जिला कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय व महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उदयपुर के गिंगला में चोरी करने घुसे चोर ने घर में सो रही वृद्ध महिला की निर्मम तरीके से की हत्या, ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर चोर की जमकर की दुनाई, ग्रामीण आज चोरों को गिरफ्तार करने की कर रहे मांग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ली बिजली कंपनियों के कामकाज की समीक्षा बैठक, बैठक में प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर एम सावंत, आरवीपीएनएल सीएम आशुतोष रहे मौजूद। जयपुर में वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन जागरूकता अभियान का आयोजन, अजमेर रोड पर ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में
मनोरोग विभाग ने किया आयोजन, लोगों को नशे से दूर रहने और योग को अपनी दिनचर्या में अपनाने पर जोर। वन विभाग को मिला नया मुखिया, वन विभाग के मुखिया बने मुनीष गर्ग, डीपीओ ने जारी किया आदेश। प्रतापगढ़ के दरियावद में मां का दिखा बेरहम चेहरा, कुछ ही समय पहले जन्मे नवजात बच्चे को छोड़कर चली गई मां, बीती रात नवजात बच्चे को कट्टे में छोड़कर गया व्यक्ति, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही व्यक्ति तलाश। झुंझुनू के पिलानी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी बलराज को हरियाणा के बाठड़ा से किया गिरफ्तार, पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। भरतपुर के कामों में पुरानी रंजिश को लेकर खून संघर्ष, मामूली कारचोरी को लेकर हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, करीब 12 लोग हुए घायल, मामले की जांच में पुलिस। मानसून में निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, श्री नर हरि सहित अनेक मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़, वहीं जगह जगह दान पुण्य का दौर भी जारी। भरतपुर के भुसावर में निर्जला एकादशी पर दिखा आस्था का सैलाब, मंदिर में भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना, प्राचीन कोठी वाले हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर लगा भक्तों का पानी। अलवर महिला चिकित्सालय परिसर में मौजूद आंचल मदर मिल्क बैंक में मिल्क पॉस्चराइजर मशीन का हुआ उद्घाटन, हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान और महिला अस्पताल प्रभारी टेकचंद रहे मौजूद, नवजातों को मिली राहत। झालावाड़ में सुस्नेर रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, मध्य प्रदेश के शाजापुर का रहने वाला था, मृतक को फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ में दशनाम गोस्वामी समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, राजस्व रिकॉर्ड में पुजारियों के विलोपित नाम को पुनः राजस्व विभाग में जोड़ने की थी मांग। राजधानी जयपुर में बेखौफ बदमाश, महेश नगर थाना इलाके में स्टूडेंट्स पर बदमाशों ने किया हमला, पीड़ितों पर बरसाए डंडे और सरिया, वही पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही पुलिस। विश्व योग दिवस को लेकर तैयारियां जारी, जयपुर नगर निगम ग्रेटर 1 से 21 जून तक करेगा योग कार्यक्रम आयोजित, महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बैठक लेकर योगाचार्य और एनआईए विशेषज्ञों के साथ की चर्चा। अलवर पुलिस की कार्रवाई, अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, रात 8 बजे के बाद बेची जा रही शराब। कोटा की धनपुरा गौशाला में गोवंशों की मौत में बड़ा खुलासा, गौशाला में गोवंशों का करवाया गया पोस्टमार्टम, गायों की मौत में पॉलिथिन बड़ी कारण। हेरोइन तस्करी मामले में 50,000 रुपए का इनामी तस्कर गिरफ्तार, जैसलमेर पुलिस ने किया शातिर तस्कर को गिरफ्तार, डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने दी जानकारी। धौलपुर के बसई डांग में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, खेत में काम करते वक्त दुर्घटना, श्यामपुरा गांव का है पूरा मामला। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में महिला एवं बाल चिकित्सालय में अवैध वसूली का मामला आया सामने, प्रसूता महिला के परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर लगाए वसूली के आरोप, जमकर किया हंगामा। गोवा की तर्ज पर कोटा को जल्द मिलेगी डबल डेकर बोट की सौगात, किशोर सागर तालाब में डबल लेकर बोट के ट्रायल को लेकर बोट के अंदर डीजे और म्यूजिक बैंड भी लगाया जाएगा। 12 के NH27 पर कार और बाइक के बीच भिड़ंत, बाइक और कार में सवार 5 व्यक्ति घायल, घायलों का चल रहा अस्पताल में इलाज, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। धौलपुर में टूटा बिजली का तार, तार टूटने से युवक की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, खेत में कार्य कर रहा था युवक, पुलिस कर रही मामले की जांच। जयपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों का धरना, इंटर डिस्कॉम तबादले की मांग पर बैठे कर्मचारी, पिछले 42 दिन से जारी है धरना प्रदर्शन, कर्मचारियों ने सरकार पर समाधान नहीं करने का लगाया आरोप। चाकसू में अनियंत्रित होकर रिंग रोड के नीचे अंडरपास के बीच गिरा ट्रेलर, हादसे में ट्रेलर चालक की मौत, नीम की झपकी आने से हादसा होने की बात आ रही सामने, पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर में सड़क किनारे पड़ा मिला साधु का शव, शव को देखकर ग्रामीणों के होश उड़े, साधु के परिजनों की तलाश में जुटी पुलिस। मनोहर थाना में राजकीय महाविद्यालय में जारी परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं का आलम, प्रथम पारी में 550 छात्राएं अंधेरे में पेपर देने को मजबूर, 12 घंटे बाद भी विद्युत की समस्या का नहीं हुआ समाधान। अलवर के कटुमर में फिर एक नाबालिग बनी दरिंदगी का शिकार, आरोपी ने पीड़िता के साथ किया गैंगरेप, पीड़िता का बनाया अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से डराता रहा दरिंदा, परिजनों को बताया आप भी दर्ज हुआ मामला।
रावला में मौसम ने ली अचानक करवट, 13 केएनडी के बाद बवंडर बनने की तस्वीरें आई सामने। मौसम विभाग के मुताबिक बवंडर की गति हो सकती है 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा। बाड़मेर के मेगा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर दुकान में घुसा, आसपास की दुकानों में लगी भीषण आग, हादसे में टैंकर चालक और होटल संचालक की मौके पर मौत। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 14 के पार्षद तन्वी धायल को मिली नई जिम्मेदारी, जिले के महंगाई राहत कैंप का समन्वयक किया गया नियुक्त, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सुंदर के निर्देश पर की गई नियुक्ति। जोधपुर के आगलिया चौराहे पर मारपीट का मामला आया सामने, लोहे के शरीर से मारपीट में युवक हुआ घायल, प्रतापनगर थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर में सिस्टम की लचर व्यवस्था से आमजन परेशान, श्री करणपुर से बदमपुर गांव खरला के पास टूटी पुलिया से वागी परेशान, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तारानगर में भाजपा मंडल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित, भूजावास राठौर सर और नगर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा, अजीत राठौर सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता रहे मौजूद। चित्तौड़गढ़ में चिकित्सकों की लापरवाही का मामला आया सामने, चिकित्सकों ने पत्नी की जगह बच्चेदानी का किया ऑपरेशन, महिला की हुई मौत, वहीं गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर, कोटा कैंप कार्यालय पर की जनसुनवाई, लोगों की समस्याएं। अलवर के मालाखेड़ा में खान में गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल, बेघर गांव का है मामला, घायल युवक का राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में इलाज जारी। राजधानी जयपुर के श्री गलता पीठ में मनाया गया गंगा दशमी महोत्सव, मंदिर में सतयुगी गालो गंगा की आरती की गई, हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान दान पुण्य। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक दौरे पर, कोठून पुलिया पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गाथा के नेतृत्व में किया गया भव्य स्वागत। किशनगढ़ में फांसी के फंदे पर झूले युवक ने की आत्महत्या, अज्ञात परिस्थिति में फांसी लगाकर दी जान, सिंधी कॉलोनी क्षेत्र की घटना, मदनगंज थाना पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। श्रीगंगानगर के गत्सिंहपुर में युवती के लापता होने का मामला आया सामने, खांदेवाला गांव का है पूरा मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच। दौसा के सिकंदरा में निर्जला एकादशी के मौके पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, कस्बे के गोपाल जी महाराज मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सीएम अशोक गहलोत का झुंझुनू दौरा, जून के दूसरे सप्ताह में सीएम गहलोत आ सकते हैं बबाई, सीएम अशोक गहलोत के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू, जिला कलेक्टर और सीएम सलाहकार ने लिया जायजा। कोटपुतली में पूर्व सैनिक संघ पावटा के पूर्व सैनिकों का पावटा उपखंड मुख्यालय में हल्ला बोल अभियान, वन रैंक वन पेंशन की विसंगति को दूर करने की मांग, पीएम सीएम रक्षा मंत्री उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, साथ ही किया विरोध प्रदर्शन। अलवर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, हरियाणा के सोहना नगर परिषद के बीजेपी के चेयरमैन को किया गिरफ्तार, चेयरमैन ने 8वीं की फर्जी मार्कशीट अलवर के टेला इलाके से करवाई थी तैयार। 5 दिवसीय उदयपुर दौरे पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजस्थान कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, फतेह सागर झील के पास सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अच्छे कार्य को लेकर कही बात। धौलपुर में तूफान का कहर, तेज आंधी और तूफान से हुआ काफी नुकसान, 50 से ज्यादा बिजली के पोल टूटे, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, अगले 5 दिन तक जिले में हल्की बरसात होने की संभावना। जयपुर के पंत कृषि भवन में किसान मेले के आयोजन को लेकर अहम बैठक, बैठक में शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने मेले की जा रही तैयारियों की ली जानकारी, संबंधित अधिकारियों से ली जानकारी, आयोजन में आ रही समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए निर्देश। उदयपुर में बुजुर्ग से मारपीट का मामला, करणी सेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी कर रहे मांग, एसपी ने स्थिति का अनुसंधान कर आरोपी की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी कार, हादसे में कार चालक की मौके पर मौत, एक महिला और बालिका हुई घायल, कार में सवार होकर जयपुर से नोएडा जा रहा था परिवार। भरतपुर के भुसावर में अचानक पशु चारे और ईंधन में लगी आग, तलैया वाले मंदिर पर अचानक विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग को पाया। पैरोड़ विधायक
बलजीत यादव ने जिला अस्पताल का लिया जायजा। मेडिकल स्टाफ से वार्ता कर विकास कार्यों का लिया फीडबैक। विधायक ने कहा जल्द ही जिला अस्पताल में आएगी सोनोग्राफी मशीन। भरतपुर के रूपवास में मारपीट का मामला। पुराने रंजिश के चलते दो व्यक्तियों के बीच हुई मारपीट। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। पूर्व आईजी सत्यवीर सिंह का बहरोड़ पहुंचने पर विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत। हाईवे होटल एक्सप्रेस वे पर किया गया स्वागत और सम्मान। पदाधिकारी रहे मौजूद। जयपुर पुलिस ने दो आरोपियों पर किया इनाम घोषित। फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर 2000 का इनाम घोषित। पॉक्सो एक्ट मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे थे आरोपी। जयपुर में गोपालन समिति की बैठक आयोजित। जिले की गौशालाओं को अनुदान राशि जारी करने का लिया अहम निर्णय। विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त होते ही गौशालाओं के भुगतान की कार्रवाई को किया जाएगा प्रारंभ। झुंझुनू के सूरजगढ़ में अधेड़ के साथ मारपीट का मामला आया सामने। अधेड़ के साथ उसके जानकारों ने की मारपीट। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा के डीसीएम क्षेत्र में पेयजल की समस्या। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलदाय चौकी पर किया मट्टी फोड़ प्रदर्शन। पेयजल को जल्द सुचारू करने की रखी मांग। उग्र आंदोलन की चेतावनी। झालावाड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झालरापाटन कस्बे में हुई चोरी की वारदात का किया खुलासा। पड़ोसी ही निकला वारदात का मास्टरमाइंड। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जैसलमेर की भारत पाक सरहद पर बीएसएफ ने संदिग्ध को दबोचा। बीएसएफ पर सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध से कर रही पूछताछ। प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते हुए बीएसएफ ने दबोचा संदिग्ध। राहुल गांधी ने विदेशी धरती से बीजेपी पर साधा निशाना। कहा भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे मोदी। राहुल के बयान पर हमलावर बीजेपी नेता। ग्रेटर नोएडा दो सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई। 150 करोड़ कीमत का 30 किलो ड्रग बरामद। 3 नाइजीरियाई आरोपी भी गिरफ्तार। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। राउत ने फडणवीस को बताया संतुष्ट नेता। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लोगों से लूट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खुद को आयकर अधिकारी बताकर दुकान से चुराए 60 लाख रुपए के सोने के बिस्कुट। 20वीं सदी की शुरुआत की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से पिघल रहे ग्रीनलैंड के ग्लेशियर। जियो फिजिकल रिसर्च लेंटर्स जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन में हुआ खुलासा। जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रहे हैं ग्रीनलैंड के ग्लेशियर। दिल्ली शराब नीति केस। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राहुल अग्नि कोर्ट में लिया संज्ञान। सिसोदिया को भेजा समन। 1 जून को होना है पेश। कांग्रेस विधायक के तृणमूल में जाने पर जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी पर साधा निशाना। कहा इस तरह के अवैध शिकार विपक्षी एकता को मजबूत नहीं करेंगे या केवल बीजेपी के उद्देश्यों को पूरा करता है। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग बरकरार। गंगा में मेडल प्रवाहित करने का फैसला टला। अब केंद्र सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर लगा जाम। यातायात पूरी तरह से बंद। मध्य प्रदेश के हरदा में पेड़ से टकराई बेकाबू कार। 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल। हरिद्वार में बड़ा सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस पलटी। 10 महीने की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत। निर्जला एकादशी आज। वाराणसी में घाट पर उम्मीद भक्त। घाट पर गंगा के पवित्र जल में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। आंधी के साथ हुई तेज बारिश। 10 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। झज्जर कोटली खाई में गिरी बस। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। करीब 20 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया। झारखंड के धनबाद में रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा। दिल्ली हावड़ा ट्रैक की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 6 से अधिक मजदूरों की मौत। पोल लगने के दौरान हुआ हादसा। आज भारतीय शेयर बाजार की गिरावट के साथ हुई शुरुआत। सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा लुढ़का। वहीं निफ्टी में 85 से ज्यादा अंकों की गिरावट।
गिप्पी ग्रेवाल की पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे एक्टर आमिर खान ने जमकर किया भांगड़ा, फैंस कर रहे तारीफ। सुबह सुबह करण सिंह ग्रोवर ने खरीदी ऑडी Q7 और वीडियो शेयर कर लिखा देवी की नई सवारी, गाड़ी की कीमत 92 लाख। नासिक के पंचवटी स्थित कालाराम मंदिर पहुंची कृष्ण सेना ने सीता गुफा में की आरती, आदि पुरुष की रिलीज से पहले लिया शुरुआत। खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग के दौरान अर्जित तनेजा को लगी चोट, एक्टर ने तस्वीर शेयर कर दिखाई हालत।